हेलो, मैं दिशांत। तुम लोग को हंसाने नहीं आया हूँ, मैं रियलिटी से रूबरू कराने आया। आज संडे 30 मई, बाकी नीट एस्पिरेंट्स की तरह पूरे वीक जोर मैं भी मारता हूँ, दम मैं भी लगाता हूँ। जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसको मैं भी पढ़ता हूँ, डीपीपी भी करता हूँ। लेकिन अभी एक मंथ के अंदर 2 टेस्ट हुए हैं, एंड पहले टेस्ट में तो आए 245 एंड सेकेंड के अंदर आए 197। एंड हाँ, होता है, मतलब टेस्ट ख़त्म होते ही मोरल एकदम टूट जाता है, बिल्कुल मन नहीं करता है कि अगला टेस्ट दें या और पढ़ें। लेकिन फिर जैसे सोचते हैं कि यार ऐसे छोड़ने के लिए तो नहीं पढ़ रहे थे, तो वापस दम लगाना शुरू कर देते। फिर जैसे जैसे वीक में थोड़ा मोटिवेशन कम होता है तो यूट्यूब पे चले जाते हैं, और यूट्यूब पे भी क्या देखते हैं कि टीचर बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, वो हमें बता रहा है कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है, हम लोग को मतलब यूँ अंदर से पावर जनरेट करवाता है। लेकिन वो पावर भी ना सिर्फ 1 या 1.5 घंटे तक होती है। कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, रात को अगर सुनकर सोए हो तो सुबह उठकर सिर्फ 2 या 2.5 घंटे तक तुम उसकी बात मानोगे। एंड ये रियलिटी है। मैं ये जो कुछ भी बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है मेरे सामने स्क्रिप्ट और मैं उसको पढ़ कर बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसको मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ। और ये कंडीशन सिर्फ मेरे नहीं, क्योंकि देखो पढ़ना सभी चाहते हैं। जिन्होंने भी अभी नीट करने का डिसाइड किया है उन सभी ने अपनी तरफ से एफर्ट 90% तो दे दिया है कि उनको पढ़ना है। लेकिन प्रॉब्लम आती है भाई, मूड नहीं बन रहा है। संडे, ओ भैया इतना जबरदस्त आलस, बुक देखते ही पसीने आ रहे हैं, आज तो रेस्ट कर ही लेते हैं। एक्चुअली मैं भी अभी रेस्ट कर रहा था, लेकिन पता नहीं रेस्ट कर किस लिए रहा हूँ, मेरी बॉडी तो थकी हुई है नहीं। हाँ, थोड़ा सा यूँ लगता है कि ब्रेन को रिलैक्स चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए वो समझ नहीं आता। ऐसा भी नहीं है कि यार बिल्कुल स्ट्रेस हो रहा है और पढ़ा नहीं जा रहा है, बट एक नॉर्मल से स्टडी करना इनफ लगता है। एंड जिस दिन थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ दो उसके अगले 2-3 दिन तो दिमाग ख़राब रहता है और बुक खुलती भी नहीं। और जैसे आज मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उसी तरह से कल मैं उतना टाइम स्टडी को दूंगा और आज का भी कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि एज यूजुअल पता है कि मेरे जैसे जो होते हैं वो स्पीड अप कर देते हैं, और 90% जो वर्क होता है वो सिर्फ होता है अंडर प्रेशर। पेपर आने वाले हैं, एक दिन पहले सारे बुक खत्म। एंड एक दिन वाला तो मैं हूँ नहीं वैसे, हाँ 3-4 दिन का अगर टाइम मिले तो मैं अराउंड 90-95% के आसपास स्कोर कर देता था। बट पता है इशू कहाँ आ रहा है, दिक्कत आ रही है कि अभी जो होता है ना टेस्ट, उसके अंदर आते हैं तीनों सब्जेक्ट एक साथ, और भैया इतना दिमाग तो हमें है नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेम टाइम इन लिमिटेड टाइम हम तीनों के क्वेश्चन लगा दें। उसी चीज़ को ओवरटेक करने के लिए सारे दिन पटर 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 लगे पड़े हैं। खुद के लिए छोड़ो किसी के लिए भी टाइम नहीं, लेकिन टेस्ट आते हैं और मार्क्स कम आते हैं, बूम सारी मोटिवेशन बाढ़ में, बुक सारी हवा में, कुछ करने का मन नहीं है, बस सो जाओ, यूट्यूब देख लो, कुछ कर लो, बस पढ़ना नहीं। फिर मेरे साथ नहीं है, हर किसी के साथ होता है। तो ये सब सिर्फ मैं अपने दोहरे नहीं गा रहा हूँ, तुम लोग को बता रहा हूँ कि यार जोर तुम भी लगाओ, मेहनत तुम भी करो, मैं अकेला नहीं हूँ और ना ही तुम अकेले हो। इसी रेस के अंदर से कोई ना कोई इसको पार कर जाएगा एंड वो अचीव कर लेगा, एंड जो नहीं कर पाएगा वो किसी और चीज़ में ट्राई करेगा। बट अगर तुम्हें रिलैक्स चाहिए, सच में रिलैक्स चाहिए, तो भाई हाँ ये अगेंस्ट हो सकता है लेकिन तुम्हें करना चाहिए। क्योंकि वो कोटा फैक्ट्री तो मैंने भी देखी है, उसके अंदर जीतू भैया बताते हैं
कि 9th में पोकेमोन, 10th में पबजी एंड 11th में कोटा। तो भाई कोटा वाले बच्चे भी खुद को लिए टाइम रखते हैं, वो जितना एफर्ट करते हैं, हाँ हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि पढ़ना कैसे है, कैसे उनको रहना है। या तो हम पढ़ रहे होते हैं या फिर मस्ती कर रहे होते हैं, मैनेज तो नहीं होता है। एंड मैनेज करते भी ऐसे हैं तो सुबह 2 घंटे कर लेंगे भाई, फिर आधे घंटा रेस्ट करके 2 घंटे फिर कर लेंगे, फिर क्लास से पहले 2-3 घंटे पढ़ लेंगे। बट जब करने की पारी आती है ना, सुबह का 2 घंटे वाला स्लॉट तो पूरा हो जाता है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। मैं भी आज 6 बजे उठा था, सोचा पढ़ूंगा, पर फिर थोड़ी देर बाद मूड एकदम ऑफ, दिमाग का फुस, अब नहीं पढ़ना भाई, बिल्कुल मन नहीं है। अब 1 बज रहा है एंड मैं कुछ नहीं किया बेटा। अब ये स्टोरी इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यार मेरी तरह तुम मत उठो। अगर तुम मेरे को क्रॉस कर पा रहे हो ना ये सुन के, तो वो तुम्हारी अचीवमेंट। और ये मत सोचना कि मैं तुमसे कम हूँ या मैं मेहनत नहीं कर रहा, एफर्ट इतना मारता हूँ कि तुम लोग को चाहूँ तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ एंड करूँगा भी। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपना पूरा बेस्ट दो, एटलीस्ट किसी और को नहीं तो मेरे को हराने के लिए। तो देखते हैं आप लोगों में से कितना कौन पूरा कर पाता है। एंड टेस्ट से कंपेयर मत करना यार, स्कूल टेस्ट में 2 या 3 नंबर आते थे आउट ऑफ 50-60, क्योंकि मस्ती करते थे ना यार। बट मैं तो ये कहना चाहता हूँ यार, भाई बहन जो भी देख रहे हो तुम या सुन रहे हो इसको, कि खुद के लिए भी टाइम दो, पढ़ाई को भी टाइम दो, लेकिन एफर्ट पूरा मारो यार। एंड सुबह एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें बोला कि लोग कहते हैं 10-10, 12-12 घंटे पढ़े, और वही काम कुछ बच्चे 6-7 घंटे में कर लेते, और 10-12 घंटे वाले शो ऑफ करते हैं कि हम इतना पढ़े। कि यार घंटा पढ़े तुम, कितना पढ़े वो बताओ ना यार। अब मैं तो 1 लेसन लेके सारे दिन बैठा रहूँ, मैं तो 12 घंटे पढ़ता, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो जितना हो सकता है पुश करो, खुद के लिए भी टाइम निकालो एंड जितना हो सके रैपिड काम करना स्टार्ट करो, ऐसे ही आगे हो पाएगा यार। नहीं तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ये तो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, कॉम्पिटिशन में कूदें जोर तो लगाना पड़ेगा।